मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आज अभी अभी जिन्होंने त्रिपुरा की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री पद के शपथ ली है, ऐसे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, श्री जिष्णु जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और आज इस समारंभ में आए हुए, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे त्रिपुरा के भाई और बहनों, सबसे पहले मैं पार्टी की ओर से सभी त्रिपुरा वासियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। आप लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास रखा है, विप्लव जी के नेतृत्व में जो विश्वास रखा है, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हमारी एक टीम मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की सारी आशाएं आकांक्षाएं पूर्ति करकर त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट बनाने के दिशा में आगे ले जाएगी। त्रिपुरा की जनता बड़े लंबे समय से यही क्षण का राह देख रही थी, त्रिपुरा शांति के मार्ग पर आगे बढ़े, त्रिपुरा विकास के मार्ग पर आगे बढ़े और मुझे भरोसा है विप्लव जी और उनकी टीम मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा को शांति और विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगी। मित्रों, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास का एक रास्ता प्रशस्त हुआ है। आजादी के इतने सालों के बाद आसाम हो, त्रिपुरा हो या नॉर्थ ईस्ट के अन्य रास्ते राज्य हो, बजट का आवंटन तो होता था मगर वो विकास में परिवर्तित नहीं होता था। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में द्रुत गति से विकास आगे बढ़ा है और आज त्रिपुरा में सरकार बनने के साथ त्रिपुरा के विकास का रास्ता भी खुल चुका है। त्रिपुरा में जिस कारण विप्लव देव जी ने शपथ लिया, त्रिपुरा के 8 में से 7 राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम पूरा हो गया है। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष ध्यान दिया, न केवल ध्यान दिया, बजट का आवंटन भी कई गुना बढ़ाया और वो स्वयं एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी नहीं गए। नॉर्थ ईस्ट की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग आज तक दिल्ली में ही हुआ करती थी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे तब शिलोंग नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में आए थे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में आने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुए और पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास को उन्होंने आगे बढ़ाया। न केवल विकास को आगे बढ़ाया, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, नॉर्थ ईस्ट की कल्चर, उसको भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए और इसके साथ साथ कभी ये नॉर्थ ईस्ट शांति के लिए राह देखता रह जाता था, शांति दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर शांति का एक नया युग शुरू हुआ है। मित्रों, मुझे भरोसा है विप्लव जी और उनकी टीम पर, मोदी जी जिस प्रकार से बाकी सभी सरकारों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, मुझे भरोसा है कि विप्लव जी की टीम त्रिपुरा को भी शांति और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी।
और मोदी जी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास कर रहे हैं, आज विप्लव देव की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद त्रिपुरा में भी एक सहयोग का नया युग शुरू होगा और त्रिपुरा की जनता की सभी आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। मैं फिर से एक बार त्रिपुरा की महान जनता का हृदय से धन्यवाद और अभिवादन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद श्रोत्रिय श्री अमित शाह जी महोदय के। এবারে এই মহতী সমাবেশে বক্তব্য রাখার জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভারতের সম্মানীয়।